पापा भाई ने वादा किया था मुझे कि वो मुझे गाना गाने से कभी नहीं रोकेंगे और आज उन्होंने खुद मुझे सबके सामने गवाया, उन्होंने अपना वादा रखा। थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। बल्लू रोटियां ना गरम गरम सेकना, हाँ तब तक तू दाल चावल चढ़ा दे और सब्जी बना दे। हो और मेरे लिए ना एक अच्छा सा पराठा बना मूली का, बड़ा मन कर रहा है खाने का। ठीक है। आणि ना वैभव के बाबा ना धनिया और पुदीना लेके आए थे, तो अच्छी सी चटनी पीस देना हाथ से, मिक्सी वाली ना उन्हें पसंद नहीं है ना लक्षण। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं सब कर दूंगी। अरे शादी ब्याह में खा खा के ऐसा पेट फुला है ना, तो अब तो लगता है कि घर का ही खाना अच्छा है। आई आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब कर दूंगी। तू आई है ना, तो तू तो खाना इतना अच्छा बनाती है, तुम बाहर पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो ना। अब देखो थोड़ा शीरा भी बना देना। आई मैं अभी यही सोच रही थी, मेरी पहली रसोई है तो शगुन का मीठा भी हो जाए। सो अभी फिलहाल तो आज मेरा पहला दिन है शादी के बाद इस घर में और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, बिकॉज बहुत सपने देखती है एक लड़की कि जब शादी होगी ससुराल जाएंगी, ये करूँगी वो करूँगी, और वंदना ने भी ऐसा सपना देखा था और फाइनली उसका सपना पूरा हो गया ही है। बहुत खुश है वो घर वालों के लिए, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये भी करूँगी वो भी करूँगी, इन सारी चीज़ों में उसे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, पर फिर भी बेचारी अपना काम कर रही है, सब कुछ कर रही है ताकि सबको खुश रखे। सो कोशिश कर रही है, पता नहीं अब वो उसके लिए अच्छा है गलत है, आगे जाके उसके साथ क्या होने वाला है।